हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेंटेनेंस में क्लिट क्या चीज़ होती है। इस टर्म से आप भले परिचित हों या ना हों, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है इससे आप जरूर परिचित होंगे अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर आप जो है टेक्निकल फील्ड में होंगे और आप इस तरह से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे। तो आइए फिर हम लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस में क्लिट क्या चीज होती है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लिट के बारे में, CLIT, क्लिट। क्लिट बोले तो क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के टर्म में चाहे आप कोई एक मशीन ऑपरेटर हो या फिर एक जो है मेंटेनेंस इंजीनियर हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। किसी भी मशीन की लाइफ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आपको इन चार स्टेप्स पे ध्यान देना पड़ेगा और ये जो है रेगुलर बेसिस पे आपको करना होगा। इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको डेली बेसिस पे करनी पड़े, कुछ हो सकता है कि एक इंटरवल बेसिस पे जो है आप एक शेड्यूल फिक्स करके भी उसको कर सकते हैं, लेकिन बिना इसके जो है किसी मशीन की लाइफ जो है वो लंबी हो ही नहीं सकती है। कोई ना कोई फॉल्ट उसमें रेगुलर बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि इसके अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब होता है। पहला टर्म्स है क्लीनिंग। क्लीनिंग से हमारा मतलब होता है कि आप जब भी कोई, चाहे मशीन ऑपरेटर हो या आप कोई जो है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई मशीन अगर है और आप उसको जो है ऑपरेट करते हैं, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेली बेसिस पे आप उस मशीन की अच्छे से क्लीनिंग करें, उसके जो चिप्स रिमूवल्स एरिया हैं वहाँ पे सफाई करें, मशीनों के जो पैड्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको एकदम क्लीन करनी है। ठीक है, एकदम न्यू जैसी दिखनी चाहिए आपकी मशीन। इससे क्या है कि आप अगर प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे जो अननेसेसरी जो है वहाँ पे स्क्रैप इकट्ठे होने की वजह से जो वियर टियर हो सकता है, इससे काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। इसलिए डेली बेसिस पे आपको क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्टेप आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में लुब्रिकेशन प्लस चेक लीकेज, दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जहां भी मूविंग पार्ट्स हैं, जहां पे भी गाइड स्लाइड्स हैं, वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वहां पे जो है लुब्रिकेशन प्रॉपर करना है। और जहां पे मान लीजिए कि ग्रीसिंग करना है, कोई कुछ कहीं कहीं ऐसे भी पॉइंट होंगे जहां पे मंथली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे भी वहां पे लुब्रिकेशन आपको करना है, तो उसको भी आप उसको फॉलो करिए, उसको मॉनिटर करिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि डेली उसको आपको लुब्रिकेट करके इतना ज़्यादा उसमें तेल जो है टॉपअप कर देना है या इतना ज़्यादा तेल उस पर कि मशीनों से तेल टपक रहा है, तो वो भी सही नहीं है, वो भी जो है आपके लिए रिस्की हो जाएगा। बट आपको डेली बेसिस पे जो है ऑयल लीकेज और लुब्रिकेशन को चेक करना है, क्योंकि लुब्रिकेशन, मैं मानता हूँ लुब्रिकेशन जो है किसी भी मशीन की जो है जान होती है, जो उसकी लाइफ को इंक्रीज करती है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। कहने के लिए बहुत ही जो है छोटे टर्म समझते हैं लोग, लेकिन ये मशीन की रियलिटी में देखा जाता है, उसकी जो है होल सोल उसकी जो है लाइफ को जो है डिसाइड करती है कि आप उस मशीन का प्रॉपर जो है लुब्रिकेशन कैसा करते हैं, कैसा रखते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब आप पहले के जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप अच्छे से मशीन की क्लीनिंग करेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें वहीं भी आपको पता चल जाएंगी कि अगर कहीं पे कोई वियर टियर होगा, कोई तार कटा होगा, कहीं कुछ क्रैक्स होंगे या फिर जो है कुछ कहीं पे जो है कुछ और भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ रही होगी या फिर जो है ऐसा कुछ मिस्टेक्स है जो आप, जैसे मशीन आए आपने मशीन को जो है स्टार्ट करने से पहले आप उसको जो बेसिक उसके मूवमेंट्स हैं उनको आप चला के चेक कर लीजिए। ठीक है, सारे एक्सिस प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चक घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, या कोई भी जो भी उसके फंक्शंस हैं, आप सारे फंक्शंस जो है सबसे मशीन को ऑन जॉब जो है उसको मशीनिंग कमांड देने से पहले आप उसको पहले प्राइमरी तौर पर आप उसके सारे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो है आप जॉब लोड करके और उसके बाद में जब आप उसको कमांड दे दें तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका जो है बियर टेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए डेली बेसिस पे आपको जो है मशीन स्टार्ट करने से पहले इंस्पेक्शन जरूरी है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप आता है हमारा जो है टाइटनिंग का। देखिए दोस्तों, जब आप जो है प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे उसका और इंस्पेक्शन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फास्टनर्स वगैरह होंगे जहां कहीं आपको अगर हो सकता है मिल जाए कि लूज है या कोई जिग्स फिक्चर्स होते हैं मशीनों पे बंधे होते हैं, है? या मशीनों के बहुत सारे लॉकिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके नट बोल्ट्स होते हैं, तो कहीं भी ऐसा कुछ अगर आपको लूज पॉइंट मिलता है जो जिससे कि मशीन में अचानक सडन वाइब्रेशन बढ़ जाए और फिर बड़ा मेजर जो है वेयर टियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उस समय
समय रहते ही आप उसको उस फाउंडेशन को जो है उसको या फास्टनर्स को उसको आप टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब ये चारों चीज़ें आप प्रॉपर डेली बेसिस पे मशीनों के साथ आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मशीनों के बारे में नॉलेज भी बढ़ेगी और मशीनों की लाइफ भी बढ़ेगी और साथ में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये जो है हर जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ या जो भी मशीन ऑपरेटर्स हैं उनको इसके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए कि क्लिक क्या होता है, ठीक है। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं पिछले जो है 13 सालों से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कह सकता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि आपके जवाब का जो है आपके क्वेश्चंस का जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।